गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। ये वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। हाँ जी, लास्ट टर्म पे हम लोग लेंस सूत्र पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ेंगे लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता ठीक है। लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस द्वारा आपतित प्रकाश को मोड़ने की क्षमता। आपतित प्रकाश को किस तरीके से मोड़ सकता है, फैला सकता है या उसको एक बिंदु पर केंद्रित कर सकता है, वो लेंस की क्षमता कहलाती है। आपतित प्रकाश को मोड़ने की क्षमता, देखिए जैसे ये आपका एक उत्तल लेंस है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आ रही है तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, ये हम जानते हैं, ये आपका मुख्य फोकस होगा। इसको आप एच मान लीजिए, तो कितने कोण से बेंड हुई? डेल्टा से। तो यहां हम जानते हैं फिजिक्स में एक ही एंगल निकलता है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा? अगर एच अपॉन एफ, यदि कोणों के मान अल्प हैं, अगर कोणों के मान अल्प होंगे तो tan डेल्टा लगभग बराबर किसके होगा? डेल्टा के। और डेल्टा बराबर क्या आएगा? h अपॉन f। इसको हम p भी कहते हैं, p। और जनरली h जो होता है वो एक मीटर होता है, तो p बराबर हो जाएगा a बटे f। सेंटीमीटर में बात करेंगे तो 100 सेंटीमीटर 100 बटे है। ये है, यानी कह सकते हैं कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम जो है वो लेंस की क्षमता के बराबर होता है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला ज्यादातर यूज में आता है, सेंटीमीटर वाला, इसको ज्यादा उपयोग में लाते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है दो पतले लेंसों का संयोजन। देखिए अच्छा टॉपिक है, इधर ध्यान दीजिए, दो पतले लेंसों का संयोजन, ठीक है। दो लेंस लेने हैं आपको, बिल्कुल पतले पतले, ये लेंस ए है, ये लेंस बी है, ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है O। लेंस A इसका आभासी प्रतिबिंब बनाता है I डैश, जो वापस से लौट के जाता है, और लेंस B फिर उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है I। बिंब दूरी U, प्रतिबिंब दूरी V और आभासी प्रतिबिंब दूरी होगी B डैश। बहुत अच्छी तरीके से आप इसको समझिए। देखिए हमने दो लेंस लिए, दो लेंसों को इसमें कुछ समांतर क्रम या श्रेणी क्रम संयोजन नहीं होता, दो लेंसों को आपस में चिपका के रख दिया है। अब जो पहला लेंस है उसने ऑब्जेक्ट O का एक आभासी प्रतिबिंब बनाया आई डैश, अब ये आई डैश दूसरे लेंस के लिए बिंब का कार्य करेगा और वो उसके लिए इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा आई। ये बिल्कुल उसी तरीके से चला जिस तरह से लेंस सूत्र निकाला था, बिल्कुल उसी तरीके से इसको अपन ने किया है, ठीक है। तो अब इसको आगे करते हैं। देखिए जैसे पहले लिखते हैं लेंस ए के लिए, लेंस ए के लिए लेंस सूत्र, लेंस ए के लिए लेंस सूत्र क्या होगा बताओ? इसकी फोकल दूरी f1 हो, 1/f1 बराबर 1/v - 1/u, लेकिन पहले वाले लेंस ने जो प्रतिबिंब बनाया उसकी दूरी d' है, तो 1/f1 बराबर आएगा 1/v - 1/u, समीकरण नंबर एक। फिर आपका लेंस बी के लिए, लेंस सूत्र 1/f2 बराबर 1/v - 1/v।
यानी अब u की जगह पे v डैश आएगा क्योंकि अब बिंदु दूरी हो जाएगी v डैश, ठीक है। अब एक और दो को जोड़ दीजिए, एक बार दो को जोड़ने जोड़िए, एक और दो को लेफ्ट साइड टर्म को लेफ्ट साइड जोड़िए, राइट साइड वाली टर्म को राइट साइड जोड़ना, और ये वन अपॉन वी डैश कैंसिल हो जाएगा। तो वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू बराबर वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू, समीकरण नंबर तीन। मान लीजिए जब दो लेंसों को संयोजित किया जाता है तो उनकी जो प्रभावी फोकस दूरी है वो एफ है। यदि प्रभावी फोकस दूरी स्मॉल एफ है तो वन अपॉन एफ बराबर होगा वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू, समीकरण नंबर चार। तुलना कर दो आप तीन और चार की, समीकरण तीन व चार की तुलना करने पर, ठीक है। तो तुलना करेंगे तो वन अपॉन एफ बराबर आएगा वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ, समीकरण नंबर पांच। ये तो आपने दो लेंसों को संयोजित किया है। अगर आप कई सारे लेंसों को संयोजित करते, n लेंसों को संयोजित करते जिनकी फोकल दूरी f1 f2 f3 एंड सो ऑन fn होती तो 1 upon f बराबर आता 1 upon f1 plus 1 upon f2 एंड सो ऑन 1 upon fn, ठीक है। ये फॉर्मूला काफी हद तक प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन से मिलता हुआ है, ठीक है। आगे देखें, ये तो प्रभावी फोकस दूरी हो गई। हाँ, अगर हम प्रभावी क्षमता निकालें तो P बराबर क्या आएगा, P1 प्लस P2 एंड सो ऑन Pn। तो लेंसों को आपस में संयोजित करने पर इनकी जो क्षमता है, लेंस की क्षमता, वो घटती है, ऐड हो गई, देख लीजिए। और आवर्धन क्षमता देखिए, अगर हम पहले लेंस की निकालें तो M1 बराबर क्या आएगा, V डैश अपॉन U। दूसरे लेंस की निकालें तो V अपॉन V डैश, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, क्या आएगा बताइए, V डैश अपॉन U इंटू V अपॉन V डैश V अपॉन U। मतलब जो प्रभावी क्षमता होगी, आवर्धन क्षमता, प्रभावी आवर्धन क्षमता दोनों लेंसों की आवर्धन क्षमता के गुणनफल के बराबर होगी। और यही अगर आपके कई सारे लेंस होते, बहुत सारे लेंस होते तो क्या आती, देखो भी अगर आपके बहुत सारे लेंस होते तो M बराबर आता M1 इंटू M2 इंटू एम, ये अगर आपके बहुत सारे लेंस होते तो उनकी क्षमता ये होती। तो लेंसों का जो ये सूत्र है, लेंसों की जो क्षमता है वो प्रभावी क्षमता बढ़ाने के लिए इसका हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं लेंस की क्षमता, ठीक है। तो लेंसों का जो संयोजन है वो मुख्य रूप से कैमरों में किया जाता है, देखते हैं आप DSLR कैमरा में लगा देते हैं। और आपने लेंसों की इसको देखा होगा, संयोजन का उपयोग आपने देखा होगा दूरदर्शी में, उसमें दो लेंस होते हैं, सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस होते हैं, इनमें लेंसों का उपयोग अधिक होता है। और रही बात आपके, अब एक छोटा सा टॉपिक और बीच में रह गया, वो ये रह गया कि लेंस की जो क्षमता आती है पी, इधर देखेंगे एक बार, लेंस की जो क्षमता आती है पी, जिसका पी बराबर वन अपॉन एफ होती है, इसका जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। डायोप्टर कैसे, कैपिटल डी से लिखते हैं, एफ बराबर एक मीटर तो पी बराबर आ जाएगा एक डायोप्टर। मतलब ये कि यदि किसी लेंस की प्रभावी फोकस दूरी एक मीटर हो
तो उसकी क्षमता एक डायोप्टर होगी, कितनी होगी एक डायोप्टर। अब देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो उत्तल लेंस की क्षमता भी धनात्मक आएगी। ठीक उसी तरीके से अवतल लेंस होता है उसकी क्षमता ऋणात्मक होती है तो उसकी मतलब फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो उसकी क्षमता भी कैसी आएगी ऋणात्मक आएगी। तो ये आपके लेंसों का संयोजन और लेंसों की क्षमता से रिलेटेड टॉपिक था आज का। अब जो हम आगे पढ़ाएंगे वो लेंस द्वारा प्रतिनिर्माण पढ़ाएंगे और फिर हम लेंस के न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे। न्यूमेरिकल लेंस के हम एंड में एक साथ लेंगे, ठीक है। पहले लेंस को कंप्लीट कराएंगे, लेंस किस तरह से क्या क्या दूरी और कैसे कैसे प्रतिबिंब बनेंगे, उसके बाद हम एक साथ लेंगे इसके न्यूमेरिकल्स को, समझ गए ना। तो इतना आज के लिए बहुत है, आज आप इसी को देखें और आगे हम जो बता रहे हैं आपको लेंसों की क्षमता लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण और लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा वो पढ़ेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।